सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में नमस्ते फ्रेंड्स मेरा नाम है वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे किसी ने सच कहा है गुरु वही है जो आपको जीना सिखा दे तो इसी के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देखिए हमारी जिंदगी में सबसे पहला जो रोल होता है सबसे अहम जो रोल होता है वो होता है भगवान का और हमारे माता पिता का भगवान और माता पिता दोनों एक ही हैं। आप माता पिता में भी अपने भगवान को ढूंढ सकते हैं तो हमारी जीवन में सबसे पहला जो रोल होता है वो हमारे भगवान और माता पिता का होता है क्योंकि उन्होंने ही हमें जीवन दिया है उन्होंने ही हमें जीवन दिया है और जो दूसरा रोल आता है वो आता है सर गुरु का गुरु ने आपको जीना सिखाया है माता पिता ने भगवान ने आपको जीवन दिया है और गुरु ने आपको जीना सिखाया है किसी गुरु की गाइडेंस के बिना एक आप अच्छे पद पर नहीं चल पाते क्योंकि सर गुरु ही एक वो पर्सन है जिससे आप हर चीज की सलाह ले सकते हो उनकी बातों पर अमल कर सकते हो अब सबके अलग अलग गुरु होते हैं लेकिन हम लोगों का कोई ना कोई गुरु जरूर होना चाहिए मैं आजकल देखता हूं कि आजकल की जो जनरेशन है सारी तो नहीं कह रहा है, लेकिन काफी हद तक की जनरेशन गुरुओं की रिस्पेक्ट नहीं करती और यह सच्चाई है शायद आपको कड़वी लगे बात लेकिन यह सच्चाई है हम लोगों की जनरेशन में हम लोग अपने गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करते थे बहुत इज्जत करते थे लेकिन आजकल की जनरेशन थोड़ी सी सेल्फिश है थोड़ी मतलब ही है वो अपने गुरुओं की इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करती है वो सिर्फ हर चीज को मतलब एक बिजनेस के तौर पे एक काम के तौर पर तोलते हैं लेकिन वो किसी भी अपने गुरु को एक ट्रिब्यूट पे नहीं करते एक रिस्पेक्ट पे नहीं करते तो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूंगा आपको अपने गुरुओं की इज्जत जरूर करनी चाहिए जो आपको जीवन जीना सिखा रहा है जो आपको गाइडेंस दे रहा है जो आपको अच्छे मार्ग पर चला रहा है आपको उनकी जरूर 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 रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ तो आपको जरूर दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए अब आज मैं आप लोगों के साथ अपने गुरुओं की कुछ बातें डिस्कस करूंगा पहले मैं बताऊंगा कि मेरे कौन कौन से गुरु हैं जिनको मैं दिल से मानता हूं और उनके बारे में क्या मैंने उनसे सीखा है कहां वो मिले मैं कुछ इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा आइए जी तो सबसे पहले मेरे गुरु आते हैं जी आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज इनके चरणों में कोटि वंदन ये हमारे दिगंबर जैन संत हैं ये मेरे गुरु हैं इन्होंने मुझे जीवन को किस तरीके से जिया जाता है वो सिखाया है मैं बचपन से इनके पास जा रहा हूँ इन्होंने मुझे जीवन को किस तरीके से जिया जाता है, जीवन के मतलब आ, कैसे एक इंसान अपने आप को बदल सकता है पहले शायद मैं आपको नहीं बता सकता लेकिन पहले आ, मैं बहुत नेगेटिव पर्सन था मेरे अंदर कुछ गलत हैबिट्स भी थी तो ये वो पर्सन है जिन्होंने वो गलत हैबिट्स मेरी छुड़वाई जीवन किस तरीके से जीना है वो सिखाया जब मैं सी के एग्जाम्स में नहीं क्लियर हो रहा था फाइनल लेवल पे नहीं क्लियर होता था तो मैं इनके पास जाता था इन्होंने इतना मेरे को मोटिवेट किया इतनी मेरे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ी और इन्होंने मेरे मेरे सब ने ऊपर विश्वास छोड़ दिया था सिर्फ मेरे माता पिता और ये मेरे गुरु इन्होंने मुझ पर विश्वास रखा कि हाँ वरुण तो कर सकता है और इनके आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ तो ये मेरे सबसे प्रथम सर्वोप्रिय गुरु हैं आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज दूसरे आते हैं जी आप लोग भली बात इस चेहरे को पहचानते हैं हमारे विनोद गुप्ता सर वीजी सर हालांकि मैं इनसे कभी फेस टू फेस नहीं मिला मैंने इनकी अपने सीए फाइनल लेवल पे डायरेक्ट टैक्स की वीडियो क्लासेस ली थी आप लोगों को सबको पता है कि ये डायरेक्ट टैक्स के बहुत फेमस फैकल्टी हैं इनसे इनसे मुझे सी, सीखा मैंने डिसिप्लिन ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन और बहुत ही ज्यादा डिसेंट पर्सनलिटी है इनसे मुझे सीख, आ, सीखने को मिला कि कैसे इंसान अपने अंदर डिसिप्लिन ला सकता है कैसे इंसान एक प्रोफेशनल अच्छे लेवल का प्रोफेशनल बन सकता है ये पर्सन किसी से कोई फालतू मतलब नहीं रखते अपने काम से काम रखते हैं अपने काम पे ध्यान रखते हैं और इनकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद आती है जो इन्होंने मेरे को लास्ट लेक्चर पे सबको बोलते हैं ये कि जो महाभारत का युद्ध है वो 18 दिन में लड़ा, लड़ा जा सकता है तो ये तो आपके सीए एग्जाम्स है जिसके लिए आपको तीन चार महीने मिल जाते हैं प्रिपरेशन के लिए तो वो आप क्यों नहीं क्लियर कर सकते तो सर इनकी गाइडेंस के हिसाब से मैं आगे बढ़ता चला गया और मैंने अपने सीए फाइनल निकाला और मेरे सबसे ज्यादा नंबर भी सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्स के पेपर में ही आए थे इवन मैं चाहता भी था कि मैं डायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ाऊं लेकिन सर डायरेक्ट टैक्स पढ़ाना हर किसी के बस की बात नहीं है वो अपने आप में बहुत हैवी सब्जेक्ट है उसको पढ़ा पाना एक बच्चों का खेल नहीं है उसको पढ़ा पाने के लिए एक बहुत परफेक्ट नॉलेज चाहिए तो मैंने डायरेक्ट सोचा था पढ़ाने के लिए हो सकता है मैं फ्यूचर में कभी डायरेक्ट पढ़ा भी लूं लेकिन स्टिल एक बार मैंने, जो किया था, का, उसके बार मैंने उसको का पढ़ा सकूं फिर मैंने अपने अकाउंट्स वगैरह के सब्जेक्ट को चूज किया हालांकि उसमें भी पूरे एफर्ट लग जाते हैं पढ़ाने में ऐसी बात नहीं है लेकिन सर ये जो पर्सनैलिटी है इनके जैसा कोई नहीं ठीक है और जो तीसरे Last but not the least is my mentor, my friend and my guru, Mr. एंड Arya. He is also a chartered accountant. इनसे मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं अपनी आर्टिकलशिप कर रहा था दिल्ली में एक फॉर्म है एस रामानंद इन कंपनी वहां से मैंने आर्टिकलशिप करी थी तो मेरा जो कोर एरिया था वो था इनडायरेक्ट टैक्स एंड ऑडिट्स के एरिया में मैंने काम किया था ज्यादातर तो ये मेरे मैनेजर थे उस टाइम पे इस पर्सन से मैंने सबसे जो मेन चीज सीखी है वो सीखी है जी पेशेंस रखना संयम रखना कंट्रोल रखना सेल्फ कंट्रोल ये पर्सन के अंदर इतनी पेशेंस है इतनी पेशेंस मैं आपको बता नहीं सकता ऐसी ऐसी सिचुएशन इस पर्सन ने अपनी लाइफ में फेस करी है और वो चीज देख के मुझे लगता है कि सर हम लोगों की लाइफ तो बहुत ईजी है बहुत आसान है हम लोगों की लाइफ इस पर्सन ने जो अपनी लाइफ जी है ना सीरियसली सर वेरी टफ और उसके लिए दिल से मैं इनको मतलब ऑफ करना चाहूंगा कि इतनी हिम्मत इतना स्टेमिना इतनी पेशेंस इनके अंदर कहाँ से आई और वही चीज वही चीज मैंने इनसे अडॉप्ट की है कि हाउ टू बी पेशेंट तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि पेशेंस आप लोगों के अंदर भी बहुत होनी चाहिए जो आजकल नहीं होती है लोगों में बच्चों में एक तो खासकर नहीं होती है तो वो चीज आप लोगों के अंदर होनी जरूरी है ठीक है जी तो ये तीन मेरी ये तीन मेरे गुरु थे जिनको मैं दिल से मानता हूं इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ कुछ गुरुओं की इंपॉर्टेंस बताई क्योंकि दोस्तों ये चीज सच है कि लाइफ में अगर आपका हर कोई साथ छोड़ देगा आप किसी प्रॉब्लम में आओगे हर कोई आपका साथ छोड़ देगा सिर्फ आपके मां बाप और आपके गुरु वो आपके साथ रहेंगे कोई भी नहीं होगा ना लाइफ में मां बाप और गुरु वो जरूर आपके साथ होंगे ठीक है जी सो so, इसी के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं वंस अगेन गुरु पूर्णिमा की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं अपनी गुरुओं की रिस्पेक्ट कीजिए उनको दिल से शुक्रिया अदा बोलिए और उनसे प्यार बनाए रखिए क्योंकि सर गुरुओं को कुछ नहीं चाहिए गुरुओं को चाहिए कि उनका शिष्य उनसे प्यार रखे उनको उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए मैं भी आज ये उम्मीद रखता हूं कि जो मेरे बच्चे हैं वो मुझसे प्यार रखें वो मुझसे बातें करें वो मुझसे अपने सुख दुख को शेयर करे, लेकिन, लेकिन करते ही नहीं है लेकिन करते ही नहीं है आई डोंट नो क्यों, लेकिन करना चाहिए ठीक है जी चलिए फिर थैंक यू वेरी मच बाय